सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल जंक्शन में। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल टाइमर। ये हमारे पास एक टाइमर है, देख लीजिए, ये आप देखे होंगे। ये टाइमर इलेक्ट्रिकल में सर्किट में बहुत यूज होता है, किसी भी सिस्टम को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। तो पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद टाइमर पढ़ाएंगे। देखिए, ए टाइमर इज अ डिवाइस डैट मेजर टाइम स्पेशली। ये एक डिवाइस है, ठीक है, जो टाइम को मेजर करता है, ठीक। वन डैट इज अ पार्ट ऑफ मशीन एंड कॉजेज इट टू स्टार्ट और स्टॉप वर्किंग एट स्पेसिफिक टाइम्स, ठीक है। ये एक मशीन का ही पार्ट होता है, कोई भी सर्किट में लगाया जाता है इसको, जो किसी भी सर्किट को ऑन एंड ऑफ करता है, किसी भी सिस्टम को स्टार्ट स्टॉप करता है एक स्पेसिफिक टाइम, पीरियोडिक टाइम में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में इस टाइमर का बहुत यूज होता है, ठीक। हम पहले समझते हैं ये टाइमर है क्या और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, पहले टाइमर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 5 एम्पियर, ठीक है, 250 वोल्ट एसी और 28 वोल्ट डीसी। मतलब यह इसका सोर्स एसी पर भी काम करेगा और डीसी पर भी, ठीक है, रिस्पेक्टिव लोड। तो देख लीजिए, और यहाँ पर दिया है सोर्स A1 A2। देखिए क्या दिया है, 24 से 220 वोल्ट एसी और 24 से 220 वोल्ट डीसी। मतलब ये एसी और डीसी दोनों पर चलेगा, और यहाँ पर टॉलरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कॉइल का दिया हुआ, ये हम बनाए हैं यहाँ पर, पहले देख लीजिए। ये मेरा कॉइल है, देखिए, ये टाइमर का मेरा कॉइल है A1 and A2। तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, A1 A2 पर क्या है, 24 वोल्ट डीसी दे सकते हैं और 220 वोल्ट एसी भी दे सकते हैं। तो इसमें एसी और डीसी दोनों पर काम करेगा ये मेरा टाइमर। और यहाँ पर देखिए, इसमें दिया हुआ है 15, 16, 18, 25, 26, 28। देखिए यहाँ बनाया हम 15। तो इसमें क्या होता है, देखिए, टाइमर मेरा स्पेशली किस पे काम करता है, एनो, एनसी और कॉमन, ठीक है। एनो एनसी के बारे में आप पहले ही हम बता दिए आप सभी को, ठीक। अभी नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कॉमन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, इसमें 15 जो है 16 के साथ क्या है, एनसी है, और ये 18, ये दो पार्ट होता है, ठीक है। ये मेरा एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। ये इसमें क्या है, एक रिले जैसा काम करता है, रिले में एनो एनसी होता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये दो पार्ट में हो गया मेरा। तो कॉमन देखिए, हम जैसे ही इसमें, मान लीजिए इसमें 220 के ऊपर हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम अगर न्यूट्रल दे देंगे A2 पे, ठीक, तो इसमें फेज देंगे, तो ये मेरा अगर फेज और न्यूट्रल दे दिए कॉइल को, तो ये मेरा टाइमर ऑन हो जाएगा, ठीक है। टाइमर ऑन हो गया। लेकिन अब क्या, अब इसमें हमको कनेक्शन करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर एसी दिए है तो हम कंट्रोल डीसी को कर सकते हैं, एसी को कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये इस बहुत सारा टाइमर आता है जो 440 में भी एसी रहता है, ठीक, 440 एसी। तो कॉल कोई भी हो सकता है और हम कंट्रोलिंग किसी भी मैंने स्टेज में कर सकते हैं, एसी हो, डीसी हो, कुछ भी। तो इसमें आ गया, देखिए, ये 15 मेरा यहाँ पर क्या हो गया, 15 मेरा कॉमन है, 15 कॉमन हो गया, यहाँ 25 कॉमन हो गया। इसमें कॉमन मतलब क्या, अगर हम इस पर फेज दे देते, तो इसमें क्या करेंगे, एक लूपिंग दे देंगे। ये देखिए, इसको खोल दीजिए आप, ये देखिए, यहाँ पर A1 है और ये 15। तो A1 से 15 में हम क्या करते हैं, एक लूपिंग कर देंगे। तो मेरा फेज एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फेज यहाँ पर आ गया। तो देखिए, अगर 15 में मेरा पावर आ गया तो 16 में भी पावर आ जाएगा,
16 में देखिए यहाँ पर 16 है, ये मेरा 16 है और ये मेरा 18 है। तो 15 में जैसे ही पावर आएगा तो 16 में पावर आ जाएगा, और हम जितना टाइम सेट करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए टाइमिंग का रेंज दिया हुआ है 0 से 30, और यहाँ समझ लीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ कितना टाइम हम सेट कर सकते हैं, देखिए 3 सेकेंड, 30 सेकेंड, 3 मिनट या 30 मिनट। तो ये मैक्सिमम रेंज 3 सेकेंड से 30 मिनट तक है, और इसको सेटिंग कैसे करना है देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैक स्पॉट, तो हमको इससे सेटिंग करना है। देखिए ये दो दिख रहा है होल, इसमें हम कुछ भी लगा कर, एक मिनट, देखिए ये मेरा मूव करता है ये जो पार्ट है, इसको हम इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, हो रहा। तो देखिए अगर इधर दोनों रहेगा तो ये कितना पर 3 सेकंड पर सेट है, ठीक है। नहीं ये मेरा 30 मिनट हो गया, ठीक है। ये खाली है तो ये दोनों खाली है इधर, और हमको मान लीजिए 3 मिनट पर चलाना है तो क्या करेंगे, एक इधर हो जाएगा, ठीक है, ये खाली और ये खाली, तो ये मेरा 3 मिनट हो गया। अगर 30 सेकेंड करना है तो इसका जस्ट उल्टा ऐसे, ये 30 सेकेंड हो गया, और 3 सेकेंड करना है तो ये ऐसे कर लेंगे। तो इसका सेटिंग ऐसे होता है, और रेंज ये होता है परसेंटेज के ऊपर। देखिए अगर मान लीजिए हम 30 सेकेंड कर रहे हैं, 30 यहाँ पर 0 से 30 जो दिया हुआ मेरा रेंज, मेरा जो 0 से 30 है, मान लीजिए हम 3 सेकेंड यहाँ पर, तो सेटिंग कर दीजिए 30 मिनट, मान लीजिए 30 मिनट कर दिए हम सेटिंग, इधर ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 30 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो 30 सेकेंड अगर हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे, देखिए आपको 0 से 30 सेकेंड दिया हुआ, तो ये 30 सेकेंड का भी कुछ परसेंटेज है, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, अगर मान लीजिए 5 बार करेंगे तो 30 सेकेंड का 5% तो टाइमिंग होगा, तो उसमें आपका ये एनो एनसी हो जाएगा। देखिए इसमें 15 में पावर है, 16 में आ जाएगा, तो जितना हम सेटिंग, हमारे 30 सेकेंड हम सेटिंग किए हैं, ठीक है, 30 सेकेंड सेट किए हैं, तो 30 सेकेंड का अगर 10 पर करते हैं, ये 9, देखिए 9 10 सेकेंड पर किए हैं, तो 10 सेकेंड 10 पर मतलब 30 सेकेंड का जो है 10% होगा, तो इतना बार क्या होगा, ये मेरा जो कॉमन है, कॉमन से ये एनसी है, ये आपका इसमें आ जाएगा, ये पॉइंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 15 से 16 में जाएगा, ये मेरा एनसी है, ठीक है, तो ये कॉमन, ये एनसी, और जो 18 होगा मेरा एनओ। इससे हम 2 पॉइंट कर सकते हैं सेम ऐसा ही, एक ये रिले यूज कर सकते हैं और एक ये रिले यूज कर सकते हैं, मतलब 2 पार्ट में इसको दिया हुआ है, इसमें 2 दिया है, ये कभी मेरा क्या होता है एक पॉइंट खराब हो गया तो दूसरा पॉइंट भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यही है मेरा टाइमर, और इसमें कुछ और डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।